आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल जनता की आवाज। मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बनवार की निर्मम हत्या के 6 माह के अंदर उपचुनाव होने थे, परंतु कांग्रेस सरकार ने अपने कांग्रेस नेता हनीफ शेख को नगरपालिका अध्यक्ष मनोनीत किया। इसके विरोध में भाजपा नेता नगरपालिका के ही पार्षद राम कोटवानी ने कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार ने उपचुनाव के निर्देश नहीं दिए, जिसके बाद श्री कोटवानी ने 4 बार रिट पिटीशन दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने दखल दिया और उपचुनाव संपन्न कराए। चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राम कोटवानी को 22 वोट मिले, हालांकि भाजपा को इसमें 1 वोट का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं कांग्रेस को 18 वोट मिले हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 10 माह के अंदर राम कोटवानी नगर का विकास किस तरह करते हैं। वहीं कांग्रेस को जो 1 वोट ज्यादा मिला है, कांग्रेस इसको किस तरह से बुनाती है। और देखने वाली बात यह भी रहेगी कि भाजपा का जो 1 वोट कांग्रेस को मिला है, भाजपा इसके ऊपर मंथन करती है या नहीं। राजनीतिक हलचल ब्यूरो रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की जीत और लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की और निकम्मी सरकार द्वारा लोकतंत्र की हिम्मत 13 माह से खड़ा का प्रयास किया जा रहा था, उस पर इस मंदसौर नगर की जनता और नगर पालिका के पार्षदों ने ये जता दिया कि लोकतंत्र की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की विजय हुई है। जी आप बताइए, आपको क्या कम समय मिला, बहुत कम समय, क्या काम करेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, कम समय में कैसे काम करेंगे? कम समय मिला है आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जो मेरी परिषद के 40 भाई बहन मेरे मित्र हैं, उन सब के साथ मिलकर मंदसौर नगर के विकास को आगे पहुंचाने का मिलजुल कर प्रयास करेंगे। साथ ही साथ नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनका सहयोगात्मक रवैया रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं पिछले 20 वर्षों से इनके साथ में काम कर रहा हूँ और नगर पालिका के इन कर्मचारियों के साथ मिलकर ये जो 40 पार्षद मेरे हाथ हैं, मेरे अंग हैं, इनके साथ मिलकर नगर विकास में जो भी उचित से उचित कार्य होगा वो करने का प्रयास करूँगा। कांग्रेसी पार्षदों ने भी सहयोग किया आपका? इस बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहूँगा, मैं तो मात्र इतना कहूँगा लोकतंत्र विजय हुई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निर्वाचन हुआ है, इस देश में न्याय आज भी जिंदा है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद दूंगा कि असत्य पर सत्य की जीत करवाने में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।